जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरुदेव सिंह है, ग्राम भागोला का रहने वाला हूँ, जिला बिजनौर, तहसील नजीबाबाद। गुरुदेव जी, आपका चयन जो है क्रिकेट टीम में हुआ, दिव्यांग, कैसा महसूस कर रहे हैं और किस तरीके से आपका चयन? अच्छा महसूस कर रहा हूँ और अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। किस तरीके से आपका चयन हुआ इस क्रिकेट टीम में और आपने क्या कहा, क्या आपको करना पड़ा? मैं पहले गांव में खेलता था, गांव में टूर्नामेंट वगैरह होते थे तो मैं खेलता था। एक लड़का बाहर नेवी स्टेडियम में प्रैक्टिस करता था, उसका नाम है फिरोज। उसने मुझे सलाह दी कि ऐसे ऐसे टूर्नामेंट होते हैं हैंडीकैप। मुझे पहले तो यकीन नहीं हुआ उसकी बातों पर, लेकिन मैं खेलता रहा। लेकिन जब मुझे पता चला अखबारों में, देखा मैंने हाँ ये टूर्नामेंट चलते हैं, तो मैं नेवी स्टेडियम में सर से जाके मिला, जो नागेंद्र सर थे कोच, तो मैंने उनसे बातें की, तो उन्होंने भी कहा हाँ बेटा होता है। तो फिर मैंने वहीं पर 4-5 महीने प्रैक्टिस की, फिर मैं धीरे धीरे मैं सोचा कि प्रैक्टिस नहीं हुई, फिर मेरे पापा की डेथ हो गई, फिर मैं यहाँ पे आ गया घर पे। तो फिर मुझे पता चला कि उन्होंने मुझसे ये बोल दिया था कि जब भी मैच होंगे तो मैं आपको बता दूंगा, आप जो भी होगा ठीक है। तो फिर मैं वहाँ पे चला गया, तो मैच होने लगे तो उन्होंने मेरे पास कॉल आई कि ऐसे से बेटा मैच हो रहे हैं, आप आ सकते हो। तो वहाँ पे जो कप्तान है कमल सैनी कप्तान वहाँ पे आए हुए थे, मैंने वहाँ पे अच्छी बॉलिंग करी, वहाँ मैन ऑफ द मैच मिला मुझे, मैंने 4 विकेट लिए 12 बॉल डाली थी। फिर उन्होंने मुझे एसोसिएशन अमित शर्मा जो मेरठ के रहने वाले हैं हमारे सर कोच साहब, उनसे मैं मिला, वो मुझे उन्होंने देखी गेंदबाजी, वो मुझे मध्य प्रदेश खिलाने ले गए। मध्य प्रदेश में मेरा अच्छा प्रदर्शन रहा गेंद का, तो फिर उन्होंने कहा चलो बेटा चलो यार। फिर जब भी वो मैच होता था, फिर हैदराबाद में हमारा दिव्यांग नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था, तो वहाँ पर नेशनल में मैं बेस्ट बॉलर बना, 24 राज्यों में जो टीम आई थी 24 राज्य की, उनका बेस्ट बॉलर बना। गुरुदेव जी, आपका चयन क्रिकेट टीम में हो चुका है दिव्यांग, आप देश के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, देश के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी दिव्यांग किसी से कम नहीं है। अगर हमेशा अपने साथ किसी को देखो या मत करो कि मैं दिव्यांग हूँ, काम किसी से कम नहीं है। मैं दिव्यांग के लिए कहना चाहता हूँ कि अपनी की तरफ से पूरी ताकत लगा दो, पावर लगा, जितनी भी है सब कुछ देश के लिए कुछ करके दिखाओ, हम किसी से कम नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और भारत माता का हमेशा मेरे पर आशीर्वाद रहो, जो आदर्श बच्चे जो यो भी हैं भाई बहन, सबसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मेरे लिए दुआ करें, मैं अपने आपसे जितनी से ज़्यादा होगा अपने देश के लिए करूँगा।